इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने बेहद शिकायती लहजे में हमलावर होते हुए कहा कि उनका पोता दुष्यंत अब उन्हें दादा नहीं मानता। साथ ही तंज कसते हुए यह भी कहा कि दुष्यंत तो रामकुमार गौतम को दादा मानता है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला विगत दिवस रोहतक और झज्जर जिला में कार्यकर्ता सभाओं को संबोधित करने के लिए आए थे। उनके साथ इनेलो के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि दुष्यंत ने उनकी बात को नहीं माना। याद रहे कि इनेलो सुप्रीमो 14 दिन की फरलो के आने के बाद लगातार उप मुख्यमंत्री व अपने पोते दुष्यंत पर निरंतर हमलावर है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एक विशेष रणनीति के तहत इनेलो सुप्रीमो दुष्यंत पर अपना निशाना साध रहे हैं। इनेलो रणनीतिकारों का कहना है कि भाजपा के साथ गठबंधन करके दुष्यंत चौटाला ने जाट मतदाताओं को नाराज किया है। ऐसे में 2024 के विधानसभा चुनाव तक जेजेपी अपनी रही सही राजनीतिक साख खो देगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में अंतिम पारी खेल रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के जाट मतदाताओं के समक्ष इनेलो से बेहतर कोई विकल्प शेष नहीं बचेगा। कदाचित दूरगामी सोच के दृष्टिगत इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जाट मतदाताओं तक संदेश देना चाहते हैं। यदि आज मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं तो वह दुष्यंत चौटाला के कारण है, और यदि हरियाणा में जाट मुख्यमंत्री नहीं है तो भी उसका कारण दुष्यंत ही है। सर्वविदित है कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। ऐसे में दुष्यंत पर निरंतर सियासी हमले से दूरंदेशी परिणामों को इनकार नहीं किया जा सकता। यही नहीं, जाट मतदाताओं को रोहतक बेल्ट में गोलबंद करने के लिए नफे सिंह राठी को इनेलो प्रदेश अध्यक्ष बनाना भी एक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।